अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ लेयर्स हेयर कटिंग का, कि आप अपने हेयर्स के लेयर कटिंग कैसे कर स्टेप सकती बाय हैं। स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप कटिंग कैसे कर सकती फर्स्ट हैं। ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बालों के सेक्शन बना लेंगे। सेक्शन कितने बनाएंगे? दो सेक्शन, टी एरिया और डी एरिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफाइन कर दूँ टी एरिया और डी एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट जो मैंने निकाला सेंटर में से, जो हाफ ऑफ दो सेक्शन मैंने किए, ये हमारा है टी एरिया। टी एरिया ठीक है। और नेक्स्ट जो हम फ्रंट से निकालेंगे ईयर टू ईयर, मतलब कान से कान तक जो निकालेंगे, वो हमारा होगा डी एरिया। सेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले आपने अच्छी तरह बालों को शावर कर लेना है, गीले कर लेना है अच्छी तरह से, उसे आपने टेल कॉम से कॉम करना है। सबसे पहले हम बालों की करेंगे ट्रिमिंग, नीचे से हम ट्रिमिंग करेंगे। बाल जो रफ बाल है वो हम कर देंगे कट। आपने नेक से लेने हैं बाल और दो दो आपने सेक्शन लेती जाना है, ट्रेस लेती जाना है, और आपने जो है वो ट्रिमिंग करते जाना है। ट्रिमिंग किसे कहते हैं? बालों की नोके काटना को ट्रिमिंग कहते हैं। ट्रिमिंग करके हम जो है अपने बालों को इक्वल कर लेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और आपने बहुत सारा सपोर्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ है। बस आपने अब सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि डेली जो है वो वीडियो अपलोड हुआ करेगी यूट्यूब पे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, आपने सेक्शन बाय सेक्शन ड्रेस लेते जाना है। और इसी तरह से फ्रंट से भी हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग करने के बाद हम जो है वो अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमने अपने बालों की लेयर्स किस तरह बनाने हैं, अगर तो आपके लॉन्ग हेयर्स हैं तो उस पर लॉन्ग लेयर्स हेयर कट होगा। अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो उसके ऊपर शॉर्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे क्लाइंट जो है उनको लेंथ छोटी नहीं चाहिए होती, कि वो कहते हैं हमारे बाल भी उतने ही रहें और हमारी कटिंग भी हो जाए। तो उसके लिए आपने जो है वो इतने ज़्यादा बाल जो है वो कटिंग नहीं करने, लेयर्स में जो हैं वो इतने ज़्यादा बाल कट नहीं होते। ये जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं उनके फ्रंट से जब लेयर बनना शुरू होती हैं तो वो फ्रंट से अगर उनके बाल लंबे हैं तो वो ज़्यादा कट होंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं सब बालों की ट्रिमिंग। ट्रिमिंग करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि आपने क्या करना है। आपने साथ साथ शावर करते जाना है और अपनी आपने ट्रैप में अच्छे से बाल लेने हैं, इक्वल से, आगे पीछे बालों का नहीं होना चाहिए। जो हमने फर्स्ट लेंथ ली थी वो कट किया, उसके बराबर जो है वो हम सारे बाल ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, उसके बराबर हम कट करेंगे ताकि हमारे नीचे से जो बाल हैं वो इक्वल हो जाए। यहाँ पे जी हमने फ्रंट बालों को भी पीछे वाले के साथ मिलाकर कटिंग कर लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से हमारे बाल अच्छी तरह से ट्रिम हो गए हैं, नीचे से बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने लेयर्स कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेयर्स कटिंग जो है वो उसका जो है वो मेन स्टेप आपने फ्रंट बालों से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे लेयर्स जो हैं वो फ्रंट बालों से शुरू मतलब अप से शुरू होती हैं और नीचे डाउन तक जाती हैं, डाउनवर्ड तक। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रिक ब्रिक टेस्ट लेते जाना है। दोनों साइड से हम लेंगे ट्रेस, अच्छी तरह से आपने इनको करना है कॉम। कॉम करना है आपने बिल्कुल स्ट्रेट, ना अपवर्ड हो ना डाउनवर्ड और ना ही स्लांट मोशन में हो, ये होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे अभी मैं करूँगी मेन चीज़, आपने ट्रेस जो है वो टेल कॉम से निकालनी है, जैसा कि मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट और कोई भी बाल इधर का उधर ना हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रेस निकाली है दोनों साइड से। फ्रंट के बाल हैं तो हम दोनों साइड से डिज़ाइन लेंथ ले लेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो वो एक ये फ्रंट बाल जो है वो डिज़ाइन लेंथ हमारी हो जाएगी। उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हम दोनों साइड की कटिंग करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरह हमारी बनती जाएंगी लेयर्स। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आपने अपने ट्रैप में बाल अच्छी तरह से फंसा लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि हमने लेंथ कितनी रखनी है।
ठीक है। जितनी आपने लेंथ कटिंग करनी है, लेंथ कटिंग यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। और दोनों साइड पे हमारे वो क्या उसका नाम है, डिज़ाइन लेंथ आ गई। अब यहाँ पे देखें, दूसरी जो है हम ड्रेस लेंगे, दूसरी ड्रेस जब लेंगे उसको हम पहले वाले ड्रेस के साथ मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कॉम करना है। उस लेंथ के आपने थोड़ा सा ही, मतलब 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपने इतना कट करना है, बल्कि उसके बराबर ही कट करना है। तो इस तरह आपकी लेयर्स जो हैं वो बनती जाएंगी। कॉम याद रहे कि आपने कॉम अच्छी तरह से करना है और अपने ट्रैप में बाल अच्छी तरह से लेने हैं, शावर अच्छी तरह से करते जाना है साथ साथ, और आपने कटिंग करते जाना है बालों को। उम्मीद है कि सबको समझ आ रही होगी, यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर थी उसके बराबर मैंने ये बाल कट किए इस तरह से। और ये देखें, ये लेयर्स बन गई आपके सामने। मैं अभी आपको शो करवाती हूँ, ये जो है हमारे 2 लेयर्स बन, उसके साथ आपने, उसके बाद आपने ड्रेस लेते जाना है और कटिंग करते जाना है बालों को।
यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है सारी लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लेयर्स कैसे बनी हैं। राइट साइड के बाल हमने कट कर लिए हैं, आपको नज़र आ रही होगी जो लेयर्स हैं वो कैसे बनी हैं। लेंथ भी इनकी लंबी है, लेकिन हमारी कटिंग जो है वो लेयर्स शेप में आ रही है। एक साइड की मैंने कटिंग कर ली, ये देखें बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरे साइड से भी मैं आपको चेक करवाती हूँ, जैसे हमने इस साइड पे की वैसे ही डिज़ाइन लेंथ फ्रंट बालों की हमने ले ली थी, उस डिज़ाइन लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो हम दूसरे साइड की भी कटिंग कर देंगे। अगर आप इसको ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी लुक आती है, इस तरह भी बहुत अच्छी लुक आ रही है। लास्ट पे जो है मैं उसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब जो है वो हम करते हैं दूसरे साइड पे, दूसरे साइड पे हम करते हैं इसकी कटिंग और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि रोज़ जो है वो आपके लिए मैं नई वीडियो ला सकूं हेयर हेयर स्टाइल्स की। कुछ भी आपको चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में बस कमेंट करना है और वीडियो हाजिर होगी। और यहाँ जी हमने अपनी बैक साइड की भी कटिंग कर ली थी, फ्रंट से दिखा रही हूँ आपको बाल के हमारी लेयर्स कैसे आ रही हैं, और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत हमारी लेयर्स कटिंग हुई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल को। इसके बाद मैंने डाले थे स्ट्रेटनर से कट, अगर आपको उसकी सेपरेट से वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आ रही थी, बहुत ही अच्छी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर।